सूरज की तरह चमकता है तो सूरज की तरह जलना पड़ता है। मैच नंबर 2 तेतेबेला कप का ये दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। महावीर स्पोर्टिंग संबलपुर की टीम जो कि आप देख सकते हैं येलो और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन में, वहीं के सामने हल्के ग्रीन कलर के जर्सी में ये टीम है मुन्नु यूनाइटेड की टीम। लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहे। ओपनिंग विसल दिलीप की आ चुकी है, किक ऑफ किया है मुन्नु यूनाइटेड की टीम ने। हमारे स्टेज की ठीक राइट साइड में मुन्नु यूनाइटेड की टीम और लेफ्ट में महावीर स्पोर्टिंग संबलपुर की टीम है। टीम के साथ में बहुत संतोष ट्रॉफी के कैंप भी बच गए ये भरत, और अगर आज ये चल गए फिर बहुत मुश्किल होगा। रंजीत उस क्षेत्र में अच्छा टकराव देखने को मिल सकता है भरत के साथ साथ रंजीत की भी जुगलबंदी। लंबा शॉट दिया था आज के शुरुआती क्षण में, इस बीच यहां पे 36 नंबर की जर्सी में सजीव है महावीर स्पोर्टिंग संबलपुर की खिलाड़ी। बाएं से दाएं की ओर अटैक है यूनाइटेड की, गोलकीपर है मंगला, लंबे कद के गोलकीपर, वही संबलपुर के गोलकीपर है शिवलाल, और शिवलाल आज पिंक कलर की जर्सी में है। राहुल को आप दूर से ही पहचान लोगे क्योंकि हेयर स्टाइल राहुल की कमाल की है। जैसे मतलब टीम की अगर बात करें डिफेंस में है आज काफी स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, और आज ये भी देखेंगे हम कि क्या कुछ वो मैदान के अंदर इस मैच में कर पाते हैं। कभी जैसे मत 72 में बाएं से दाएं की ओर अटैक है संबलपुर की खिलाड़ी, इस बीच यहां पे दिलीप जी की हिस्सा ला गई, ऑफ साइड का इशारा था, आगे निकल गए थे खिलाड़ी रोकने के विवश में। दिलीप जी मास्टर वर्से खेला थे, वर्से क्या खेले उमेश ब्रदर वर्से और रैकी भाई में है, भाई में उमेश ब्रदर भाई भाई को नहीं खेला उमेश ब्रदर में कहां ही को खेले रिटायर करना रिटायर लग ना खेला खेले। मैच का ये शुरुआती क्षण आज के पहले मैच में आपने देखा कि पूरे मैच में दोनों टीम लगभग बराबरी पे थी, लेकिन आखिरी 2 मिनट के अंदर ही मैच का जो है रुख पलट गया। आखिरी 2 मिनट के अंदर मैच का पहला गोल आया और अजय ब्रदर्स की टीम अब इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टीचर्स इलेवन ने मैच को जीत कर अगले दौर में पहुंच गई है, और इस मैच को जीतने वाली टीम के खिलाफ टीचर्स इलेवन का सामना होगा। अच्छा प्रयास यहां पे बहुत अच्छी स्किल के साथ आगे बढ़ते हुए, मौका हो सकता है मुश्किल वहां पे, गोलकीपर मोगला अपनी गोल एरिया से बाहर निकल गए थे, पास में प्रयास किया। आपने सुना ही होगा कि हिम्मत बताई नहीं दिखाई जा रही है गुरु, ये नौगांव तो और इन्होंने हिम्मत से काम लिया, अपने टीम को मुश्किलों से बाहर किया। टकराव थोड़ा बहुत हुआ था वहां से दिलीप जी अपने आप को रोक नहीं पाए और ये फाउल। बहुत तेजी के साथ रंजीत आज बन सकते हैं दिलजीत, सात रन जैसी और सात रन जैसी से काफी लगाव है संबलपुर की खिलाड़ी लगी है जैसे पर वो सुशांत
जर्सी ने भरत छत्तीसगढ़ जर्सी में सरजी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे वहां पे। तीन डब्ल्यू जर्सी में पास डिफेंस में टीम की कप्तान है जगत 55 डब्ल्यू जर्सी में महावीर स्पोर्टिंग समर्थन के लिए रंजीत वहां पे चतरा के साथ गेंद को लेना चाहते थे लेकिन जगत बहुत तेजी के साथ रंजीत के सामने आ गए थे। मैच की शुरुआती क्षण में भी मजा आ रहा है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये मैच आगे की ओर बढ़ेगा और भी मजा आएगा। नहीं चले और पूरे मैच में कितने गोल्स देखने को मिल सकते हैं। जगह लक्ष्मण आज ने जैसे में लंबा शॉट दिया है लक्ष्मण ने उस क्षेत्र में मौजूद खिलाड़ी गारन ने जैसे में श्याम लेकिन श्याम तक गेंद पहुंची नहीं। चौदह जैसे में राजा बैक पास किया गुबार के लिए राहुल का हेडर जगत का हेडर गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास समरपुर की खिलाड़ी श्याम गेंद के साथ दाएं बाएं देखने के बाद लंबा शॉट किया था वहां पे हेडर राहुल के द्वारा रोकने में कामयाब रहे लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन की बात करें दोनों टीमों के खिलाड़ी लेना चाहते हैं संघर्ष वहां पे चलता हुआ आज पहला दिन है अब से 8 दिसंबर तक लगातार तितिर किला के इस मैदान में तितिर किला कप के लिए खिलाड़ियों की मेहनत मशक्कत जोश सब कुछ लाभ देंगे। बहुत तेजी के साथ यहां पे दादू जैसी ने गोमती बासित के लिए अच्छा काल में गुमान वहां पे चल रहा के साथ गेंद को लेने के प्रयास में विनय बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। विनय मौके की तलाश में है विनय कुछ समझने के लिए बस एक मौका चाहिए। प्लीज ऊपर कुछ भाई मान गाड़ी रहे थे कृपया गाड़ी के ब्रिज ऊपर ना रख आगे स्टार्ट बनाया जा है वहां रहे थे अपने ले आगे बोटे कोना बोटे ले जाए विनय वेदर के साथ अपने टीम के खिलाड़ी के लिए लंबा शॉट लिया क्षेत्र में भरत मौजूद है। भरत की मेहनत बहुत रन नहीं लाई अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया अपना संतुलन गवा बैठे थे वहां गोलकीपर आए मोगला लंबे गति खिलाड़ी लक्ष्मण पास कर बैठे गेंद को छीनने में कामयाब कभी भरत कभी जैसी में ग्राउंड की कंडीशन देखिए बिल्कुल इस प्रकार की ग्राउंड की अगर बात करें तो जहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती है वैसा ही कंडीशन है ग्राउंड की और उसके लिए कहीं ना कहीं भरत ब्रदर्स के सभी युवा साथियों का मेहनत देखने को मिल रहा है। कभी गेंद के साथ ये दूर से शॉट है लेकिन टारगेट से बहुत ऊंचाई से गेंद निकल गई वहां पे हमारे दर्शकों को चोट लग सकती है। दर्शक आप बिल्कुल अपनी निगाहें मैदान के अंदर ही जमाए रखिए अन्यथा तितिर किला के मैदान में आके आपका इतिहास बन सकता है। कमेंट मत लिखे ना कमेंट उतना खास नहीं किया ओके कमेंट्री ठीक लागल जॉन के लगान बोल मैंने तने बात हो जान हो जान ए फोन कर ले जॉन और इगोर है से ही
लगातार मौके बनाते हुए इस बार यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से संबलपुर की खिलाड़ी अटैक करने का प्रयास करते हुए वहां पे हेडर देखने को मिला लक्ष्मण के द्वारा, दोनों जैसे में गुमान में बात पीछेगा और वो दूर से शॉट आया जरूर लेकिन मोगला को बीट नहीं कर पाए। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दो हमारे इस भव्य मंच के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं तितिकेला कप ट्रॉफियां लग चुकी है और इन्हीं ट्रॉफियों के लिए सोलह टीम अगले 5 दिनों तक मेहनत करेंगे। देखिए कितनी बड़ी कितनी आकर्षक ट्रॉफी है और यहाँ पे देखना होगा कि 16 में से कौन सी टीम आखिरी दिन फाइनल को जीत कर यहाँ पे मैच का पहला गोल कर सकते थे। ये लीजिए ऐसे मौके को कैसे गवा सकते हैं, जर्सी नंबर 10 विशाल थे और विशाल के सामने बिल्कुल गोल पोस्ट था, ऑफसाइड लोगों की का ही काम आज ने बिल्कुल निराश किया। हालांकि ऑफसाइड का विसल भी धूप जी लगा चुके थे जो कि हमारे मंच के बिल्कुल राइट साइड में दाहिने ओर से अटैक कर रहे हैं और एक मौका बना था लेकिन उसके पहले की कुछ कर पाते शॉट भी लगा विशाल का लेकिन ऑफ टारगेट। दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और आज तो पहला ही दिन है और जैसे जैसे यह प्रतियोगिता आगे की ओर बढ़ेगा मुझे लगता है कि दर्शकों का हुजूम देखने को मिलेगा। काफी दूर से दर्शक पहुंच रहे हैं और मैं तो रांची से पहुंच गया आपके बीच क्रिकेट खिला के मैदान में रजी सात नंबर जैसे में बासेस के लिए संघर्ष अच्छा देखने को मिला वहां पे राहुल बिल्कुल अकेले और क्या कमाल का हीर राहुल के द्वारा आकाश आगे की ओर बढ़ना चाहते थे वहां पे दिमाग मौजूद थे इस मुकाबले का ये पहला हाफ आप देख रहे हैं दोनों टीमों की संघर्ष अभी तक बासेक वहां पे अच्छा ब्लॉक किया गया और एक लंबा शॉट यहां पे जर्सी नंबर 5 के द्वारा जो कि जैक है संतोष चौकी की खिलाड़ी रह चुके हैं अच्छा कंट्रोल गुमान विशाल गेंद के साथ थोड़ी सी गति की थी वहां पे गेंद और बॉल का पोजिशन दबा चुके हैं दिलीप जी की विसल और बीच यहाँ पे डायरेक्ट फ्री का इशारा किया इन्होंने और लगभग सेंटर सर्कल के बिल्कुल करीब से ये डायरेक्ट फ्री और लेंगे जैक जर्सी नंबर 5 शॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार एक अच्छा शॉट लेकिन गोलकीपर बहुत चतुर और चालाक चंचल सिबलाल अभी गोल लेने से बाहर निकल के गेंद को पकड़ा उन्होंने खतरे को डाला डाल दी बैटरी गोंदी माइनस किया इन्होंने बासेट के लिए दाएं बाएं देखने के बाद लंबा शॉट दिया उस क्षेत्र में मौजूद एक खिलाड़ी अच्छा हेड देखने को मिला था हेलो श्याम के द्वारा दूसरा जो जिम्मेदारी दी है टीम ने उस भूमिका को निभानी है सेकंड मैच ले गोल करना पड़ेगा सेकंड मैच अपने टीम को मजबूती देने के लिए
और इस बीच यहाँ पे सबरपुर की खिलाड़ी बहुत ही अच्छा अटैक है, काफी सुंदर मौका था, अपना बाया पैर चलाए थे लेकिन गोल पोस्ट से बस थोड़ी सी दूर निकल गई और वहां पे स्कोरिंग की थी, एक गोल करते करते बच गई। वर्तमान सुधा धीरे धीरे स्कोर सुन सुन के आचे आजीरा ऐ क्रिकेट कला का अपना द्वितीय मैच मुंडो यूनाइटेड वर्सेस महावीर स्पोर्टिंग समलपुर मध्यरे कड़ा कड़ी मुकाबला चली विशाल बासित अच्छा चाल में विशाल के पास मौका स्किल वहां पे दिखा सकते थे लेकिन दो खिलाड़ी बिल्कुल सामने आ गए थे विशाल के और विशाल की कोई भी क्षेत्रवाद शरीर है वहां पे भारतीय धनु जैसे में कभी रहा है वहां भी स्पोर्टिंग सबरपुर की खिलाड़ी टीटी जिला कप का ये दूसरा मैच आप देख रहे हैं। आज पहला दिन है, आज तीन मैचेस आप देख रहे हैं। चेयर टिकट कितना लगा था? जो अगला मैच है वो क्वार्टर फाइनल का मैच है, यानी कि आज एक टीम जिन्हें मिलेगा टिकट टू सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी बनती है आज पहले दिन इसका निर्णय होगा अगले कुछ ही समय में। बने रहिए, अपना प्यार अपना साथ क्रिकेट क्लब कप के साथ देते रहिए क्योंकि ये क्रिकेट क्लब कप पूरे जिले का गौरव बना चुका है। बड़े वाला थे तितिकिला के लिए जिले का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, इनामी राशि 5 लाख रुपए है विजेता टीम के लिए, चैंपियन टीम के लिए 3 लाख रुपए, उप विजेता टीम के लिए 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले टीम के लिए तीसरे और चौथे स्थान के लिए लक्ष्मण यूनाइटेड के खिलाड़ी रंजीत अच्छा कंट्रोल अच्छा पास खूबसूरत पास यहाँ पे मौका बन सकता है गोटी का एक सुंदर क्रॉस लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे गति थोड़ी सी तेज हो गई गोटी के द्वारा हेलो क्योंकि बॉक्स पे ज्यादा वीडियो ना डाल प्रयास कर रहे थे समय का जाने कंट्रोल कर नहीं पाए मंजरा था रविंद्र भाई फाइल बोगला बिल्कुल अकेले हैं कोशिश में कोई परेशानी नहीं अभी तक इनके पास एक्सपीरियंस है स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना का फील है फुटबॉल जोश जिसे देख कर ही आ जाता है मैदान के बाहर उसका नाम है फुटबॉल और पूरी दुनिया के दीवाने फुटबॉल के बहुत हैं। बहुत तेजी के साथ संजीव गेंद को लेने का प्रयास कर रहे थे जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पोर्ट्स को खेला जाता है अगर कोई खेल को खेला जाता है वो है फुटबॉल। भले ही हमारी इंडियन टीम फुटबॉल में बहुत अच्छा नहीं कर रही है अभी भी इंडियन टीम की रैंकिंग 100 के पार है फीफा की अगर बात करें। हाल ही एक समय ऐसा भी था जब इंडियन टीम 100 के अंदर थी लेकिन अब तो मानो एक सपना बना हुआ है अब देखना होगा कि हमारे युवा फुटबॉलर इस सपने को कब पूरे करते हैं और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजन से इस प्रकार के टैलेंट जहां पे आप सुदूर क्षेत्र में जाकर
बड़े मंच देते हैं फुटबॉल खिलाड़ियों को, जहां पे हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, वैसे ही जगह से आप टैलेंट निकालते हैं। कितने कितने मिनट देते कि है ना, कितने कितने मिनट देते। इन्होंने स्टॉप किया और उसके बाद इन्होंने शॉट लिया और इसी पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला था और दिलीप ने इशारा किया है कि ये तो कॉर्नर है और कॉर्नर मतलब आधा गोल माना जाता है। शॉट लेने के बाद जा रहे देखिए रणजीत जा रहे हैं शॉट लेने के लिए। रणजीत एक स्टार खिलाड़ी है जो कि आप एक स्किल के दीवाने होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे फैंस यहाँ पे ये बना सकते हैं अपनी खेल से। कॉर्नर के रूप में मौका है विकेट के पास, बॉक्स के अंदर ज्यादातर खिलाड़ी कमजोर, शॉट हेडर बॉक्स के अंदर अभी भी खतरा डला नहीं है। जैन का कंट्रोल चेस के साथ रिसीव वहां पे बिल्कुल आ गए सामने भरत भरत है और ये देखिए कमाल की स्किल आकाश के लिए, आकाश और भरत की अच्छी जुगलबंदी, लंबा शॉट दिया है, विशाल क्षेत्र में मौजूद है, विशाल ने गेम को कंट्रोल किया है। रेफरी की कोई विजिल नहीं, बिल्कुल सामने आ गए थे राहुल, पर्वत जैसे खिलाड़ी है राहुल, वहां पे संघर्ष देखने को मिला। जैन दानी शिफ्ट से अटैक करते हुए की मुंडू यूनाइटेड कभी 72 नंबर की जैसे में जयंत के लिए मौका, 6 नंबर की जैसे में इस बीच यहाँ पे गोरा चांद मारंडी, हालांकि गोरा चांद को अभी तक ज्यादा गेंदें मिली नहीं है, ज्यादा मौके मिले नहीं है। रंजीत इस बीच बहुत सुंदर इसके लिए आप और ये शॉट देखिए कहां भी इन्होंने लगाया है और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना रणजीत ने।